फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई एम स्टार्टिंग द ब्लॉग एट 9 AM इन द मॉर्निंग। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे टेबल की हालत हो चुकी है। तो ये रहा वो कीबोर्ड वाला ड्रॉवर जहाँ पे वो कीबोर्ड रहता है, तो वो टूट चुका है और उसी की वजह से इतना सारा प्रॉब्लम रामजान हो रहा था। तो ये रहा उसका मटेरियल। तो अभी मैं ये सेट करने जा रहा हूँ, फिट करने जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों ने अभी देख लिया, मैं काम कर रहा था, पसीने से हालत देख सकते हो अपनी, इतना ज़्यादा गंदा फील हो रहा है, हेक्टिक था यार, पता नहीं क्या, लेकिन है ना हो ही नहीं रहा था। बट फाइनली जैसे तैसे मैंने कर लिया। इट इज़ नॉट वर्किंग एज आई वॉज थिंकिंग इट विल बी दैट मच सॉफ्टर, बट इट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली, तो खुश हूँ। ये फाइनली यहाँ पे काम कर रहा है। ये यहाँ पे अटक रहा था, लेकिन पता नहीं मैंने जैसे तैसे करके कैसे इसको अंदर तक ले लिया, लेवल तक हो रहा है, आ भी रहा है और अच्छा खासा बाहर भी संभाल रहा है अभी वो। लेकिन बहुत ज़्यादा उसने मुझे तकलीफ दी है। मतलब मैं ये जानता हूँ किस फेज से गुजरा हूँ, ऐसा लग रहा था कि एक साल से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, अजीब सा फील हो रहा था मुझे, वोमिटिंग जैसे, मतलब एंग्जाइटी ट्रिगर कर गई मेरी, पता नहीं क्या और कैसे, बट चलो। और बैड न्यूज़ ये है गुड न्यूज़ के साथ कि आज की क्लास कैंसिल हो गई है सर की, और गुड न्यूज़ ये कि ये फिट हो गया। अभी बाहर का ड्रावर जो ड्रावर है वो अभी फिट करेंगे हम। तो चलो चलते, देखते वहाँ पे कितना और ज़्यादा मज़ा आता है, तकलीफ होती है। हे भगवान, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो ठेंगा बाजे, वो आज समझ में आया। लेकिन कर लिया अपने भाई ने, कर लिया तो थोड़ा सा तो होता है, लेकिन कर लिया, चलो बढ़िया। आज मैं कारपेंटर, ये देखो ये भी यहाँ से निकल चुका है पूरी तरह से, किस तरह से ये निकला है पता नहीं, लेकिन हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। Thank you.
गाइज़ फाइनली काम ख़त्म हो चुका है और अपने एग्जीबिशन के लिए जो मैंने प्रिंट आउट बोर्ड जो फ्लेक्स जिसे कहते हैं वो मंगाए थे वो आ चुके हैं। ऊपर एक काम चल रहा है वो स्टैंडी का, तो वो भी दिखाना ही चाहता था लेकिन टाइम बहुत कम है, वैसे टाइम नहीं है सच्ची बोल दे तो, भूख लगी है तो घर पे जा रहा हूँ अभी। टाइमिंग है 11:12 इन द क्लॉक, तो फ़िलहाल अभी निकलते घर और खाना खा के आते हैं। चलो सो गाइस, आज गले के दर्द ने और ये सीजिंग ने मतलब सर्दी ने इतना बेहाल किया है मुझे, मैं व्लॉग ही नहीं कर पा रहा। अभी टाइम हो चला है 7:20 इन द क्लॉक, सोच रहा हूँ घर पे जाके सो जाऊँ। इसकी वजह ना दो वजह, एक तो मैं सुबह से पूरा पैक हूँ, सिर भारी हो चुका है मेरा, इतना ज़्यादा जुकाम हो चुका है, इतनी ज़्यादा गंदी वाली सर्दी हो चुकी और सुबह से इतना गले में खश खश हो रहा था, तो आई एम जस्ट ड्रिंकिंग हॉट वाटर। गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैंने कल के दिन भी पूरा हॉट वाटर ही कंटिन्यू किया तो, और वो करने वाला हूँ मैं। आज रात को जाते समय यहाँ से गर्म पानी लेके जा रहा हूँ ताकि गर्म पानी पीऊँ मैं दिन भर। और दूसरी बात, बात कर रहा हूँ अभी भी धीरे धीरे, मतलब ऐसा नींद में हो रहा है, मुझे बात करने को नहीं हो रहा। उसके बिहाइंड एक रीज़न, उसके पीछे एक रीज़न है, वो है मैंने जो मेरी सर्दी की गोली है वो ली है और वो एलर्जी के हिसाब से मुझे सर्दी होती है, तो धूल की एलर्जी, किसी का इन्फेक्शन हुआ तो एलर्जी हो जाती है मुझे धूल की तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने एंटी एलर्जी गोली जो मुझे दी है, मेडिसिन वो ले रहा था, उससे मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना गाइज, आई कॉन्ट टेल यू इन द वर्ड्स, इट इज़ हैपनिंग वर्स टू मी एंड सो लिथार्जिक मैं फील कर रहा हूँ ना अभी, इतना ज़्यादा लिथार्जिक फील कर रहा हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ। अभी गुड न्यूज़ इसमें ये हो रही है कि मैंने अपने CDI चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं अवनी और मेरा डांस का, वो फनी वाला डांस, तो विद इन 3 hours to 2 hours 100 रीच हो रहा है आई थिंक। इस तरह से मेरा वो प्लान शायद कामयाब हो, फिंगर क्रॉस, क्योंकि हमेशा की तरह पोपट हो जाता है फिर, इसलिए तो मैंने फिंगर्स क्रॉस करके ही बोला। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और एक गाने का डांस शूट करने जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे हिसाब से फनी वीडियोस ज़्यादा चलते हैं, देखते हैं। चलो सो गाइस, घर पे आ चुका हूँ, टाइमिंग इज 9:42, खाना खा के हो चुका है, अभी सोने का वक्त हो चला है और कल सुबह मुझे उठ के फ्रेश होना है, मतलब शेव करना है, नहा धो के तैयार होके अपने स्टॉल पे जाना है, डांस के स्टॉल पे। तो देखते हैं अभी कल का दिन कैसा होता है। फिलहाल तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लविंग विद वॉचिंग PC व्लॉग्स। बाय।